नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हम सब आपका स्वागत करते हैं हमेशा की पूरी टीम की तरफ से। हमारी जो चर्चा का विषय था वो क्या था, आइए हम बात करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं भौतिकी की और ये है छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम सीरीज। अभिप्सा की ओर से जो है आपको ये सारी कक्षाएं कक्षा 10वीं तथा 12वीं दोनों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो वहां पर आपको ये एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से भी मिल जाएगा। यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है, यहां पर आपको माइंड मैप मिल रहा है, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, उसके बाद में 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। और इसके अलावा यदि आपको कैरियर से रिलेटेड कोई सवाल हैं, कक्षा 12वीं के बाद में आप कौन से कॉलेज जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको अपने भविष्य को संवारना चाहिए, तो उसकी भी सुविधाएं आपको अभिप्सा की ओर से मिलती हैं। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करें और आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए जो है चुंबकत्व और द्रव, ये जो है हमारा जो पाठ है, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये यूनिट थ्री में आने वाली जो है चीज़ें हैं और यहाँ पर कुल मिला के 5 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और कुल मिला के 8 नंबर मिल सकते हैं आपको। इसी को जानने के लिए हम PYQ पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पर हम एक एक सवाल देखते जाएंगे और उससे जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को दिशा देनी चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए E=F/Q रखा था, इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए हमारे पास में है B=F/M। यहाँ पर ये M क्या है, यहाँ पर ये M जो है ध्रुवीय प्रबलता है, किसकी, एक एकांक उत्तरीय ध्रुव की। तो अब जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी एकांक चुंबकीय ध्रुव द्वारा किसी एकांक चुंबकीय ध्रुव द्वारा अनुभूति किए गए बल के मान को यदि हम जो है 1 रख दें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। जो भी जो है किसी क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर किसी उत्तरीय ध्रुव द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स के बल के बराबर होती है। तो ये तरीका हो गया। फिर इसके मात्रक के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो न्यूटन होता है और यहाँ पर चुंबकीय बल की जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे हम टेस्ला या फिर वेबर प्रति वर्ग मीटर द्वारा जो है हम इसे इसकी इकाई उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें समझने के बाद में अब हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक दंड चुंबक ले लेते हैं। ये दंड चुंबक जो है हम लोगों ने किस प्रकार से देखा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव होगा और हम किसी भी प्रकार से एक दंड चुंबक को इन ध्रुवों से अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है इसका अक्ष जो है चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली देखा, यानी कि ये अक्षीय स्थिति हो गई और ये हो गई निरक्षीय स्थिति। इन दोनों स्थितियों के लिए यदि आपको व्यंजक याद नहीं है तो पहली मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है वहाँ पर हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के लिए ये बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसकी ध्रुव प्रबलता यदि m है और इनके बीच की दूरी यदि 2L है तो हम जो है चुंबकीय बल आघूर्ण P को जो है परिभाषित कर सकते हैं 2mL से। ये परिभाषित करने के बाद में हम लोगों ने एक चीज़ और जान रखी है कि जब भी हम जो है यहाँ पर किसी दूरी को नापेंगे तो इनके मध्य बिंदु से नापेंगे, मतलब ये वाला बिंदु का नाम O रख देते हैं और यदि हमारे पास में यहाँ पर P बिंदु पर कोई दूसरा एकांक उत्तरी ध्रुव रखा गया है तो इस पर लगने वाले बल को जो है यदि हम नाप लें तो हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। हम लोगों ने माना कि ये वाली दूरी R है और यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं कि मध्य बिंदु से ये वाली दूरी भी L है और ये वाली दूरी भी L है। तो अब जो है हम क्या देखेंगे कि पहली यहाँ पर जो है हम कूलम्ब का नियम लगाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको कूलम्ब का नियम पढ़ाया है चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार F=μ0/4π और यहाँ पर होता है m1 m2 / r का
वर्ग। अब यहाँ पर जो है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो B का मान हो जाएगा म्यू जीरो बाई फोर पाई और यहाँ हो जाएगा M बटा R का वर्ग। लेकिन क्योंकि जो है हमको इस दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर इसके बीच में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, चलिए यहाँ पर ध्रुव थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग और यहाँ पर जो है हम उत्तरी ध्रुव ले लेंगे, यहाँ दक्षिणी ध्रुव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर ले लेते हैं उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और इस उत्तरी ध्रुव के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो हो जाएगी बी वन बराबर म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई और यहाँ पर हो जाएगा एम बटा आर का। अब आर की बजाय जो है यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर ऋण एल, तो ये हो जाएगी आर ऋण एल और यहाँ पर हो जाएगा आर ऋण एल का वर्ग। इसी प्रकार से जब हम जो है इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दक्षिण ध्रुव के लिए, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आर धन एल और इसके लिए जो है हम फिर से जो है यहाँ पर बी टू निकाल लेते हैं। तो बी टू का मान हो जाएगा म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई और यहाँ पर हो जाएगा एम बटा आर धन एल, अब इसका वर्ग। अब हम जो है क्या करेंगे कि इन दोनों का जो है योग कर देने से, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं तो इन दोनों का सदिश योग कर देने से हमको कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नज़र आ जाएगी। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे बी बराबर बी वन धन बी टू और यहाँ पर हो जाएगा एम बटा म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई, म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई एम बटा आर ऋण एल पूरे का वर्ग धन एम बराबर, हाँ ऋण एम, ऋण क्यों आ गया, क्योंकि जो है दक्षिणी ध्रुव में जो है ऋणात्मक हमें चुंबकीय तीव्रता नजर आएगी, तो ऋण एम बटा आर धन एल पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर से जो चीज़ें बाहर निकल सकती हैं हम वो बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई, म्यू ज़ीरो बाई फोर पाई और यहाँ पर हो जाएगा एम और यहाँ मिलेगा हमें एक बटा आर ऋण एल का पूरे का वर्ग और यहाँ पर ऋण एक बटा आर धन एल पूरे का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर परमेयीकरण करना पड़ेगा, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके हर बराबर नहीं हैं, तो हम परमेयीकरण करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आर धन एल पूरे का वर्ग और यहाँ पर भी आर धन एल पूरे का वर्ग इस तरीके से गुणा कर देंगे और यहाँ हो जाएगा आर ऋण एल पूरे का वर्ग और यहाँ पर भी हो जाएगा आर ऋण एल पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर जो है हमको क्या नज़र आता है, आप देखिए भाई डिनोमिनेटर में पहले तो म्यू ज़ीरो एम बटा फोर पाई रख लेते हैं, अब जो है यहाँ पर जो है हो जाएगा आर आर धन एल पूरे का वर्ग और यहाँ पर आर ऋण एल पूरे का वर्ग। अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा ए धन बी और यहाँ हो जाएगा ए ऋण बी और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ए धन बी और ए ऋण बी का मान होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग और इसका पूरे का वर्ग। तो इसी तरीके से यहाँ पर मुझे हमें मिल जाएगा आर ऋण एल और यहाँ पर जो है पूरे का वर्ग, हाँ आर ऋण एल पूरे का पूरे की घात चार। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, ऊपर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आर धन एल का वर्ग ऋण आर ऋण एल का वर्ग। अब यहाँ जो है हमको पता है ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी और इसी तरीके से ए ऋण बी पूरे का वर्ग होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण दो ए बी। तो इन दोनों इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर म्यू एम बटा फोर पाई ये यहाँ पर है तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एम बटा फोर पाई। अब यहाँ पर जो है हमको क्या मिला था, यहाँ पर मिला था हमको एक बटा आर आर ऋण एल पूरे की घात चार और इसके बाद में जो है हमको यहाँ पर मिल रहा था तो ये हो जाएगा आर का वर्ग धन एल का वर्ग धन दो आर एल ऋण। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा
आर का वर्ग धन एल का वर्ग ऋण दो आर एल। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो चीज़ें कटती हुई नज़र आएंगी वो हम कटा लेंगे। सबसे पहले देखिए, ये कोष्ठक हटाने से ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। फिर R का वर्ग और R का वर्ग कटेगा, L का वर्ग और L का वर्ग कटेगा और ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो हमको मिला B का मान, B बराबर म्यू ज़ीरो बटा फोर पाई। अब देखिए यहाँ पर है M और यहाँ पर है M और यहाँ पर है चार चार आर एल और ये गुणा हो रहा है और बटे में हमारे पास में क्या है, बटे में हमारे पास में है आर ऋण एल पूरे की घात चार। अच्छा, एक बात और हम ध्यान देखेंगे कि यदि चुंबक की अपनी लंबाई जो है उस चुंबक के सापेक्ष जिस बिंदु पर जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उससे बहुत कम है, मतलब यहाँ पर हम ये बोल दें कि एल जो है वो बहुत छोटा है किससे, आर से, तो ऐसी स्थिति में जो है हम इसके बड़ी भाई एल जो है वो बहुत छोटा है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और इसलिए जो है यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बाय फोर पाई और यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर दो गुणा दो एम एल गुणा आर और बटे आर की घात चार और यहाँ से जो है हम देखेंगे कि ये आर जो है यहाँ पर से एक घात कम कर देगा और ये दो एम एल क्या है यहाँ पर देखेंगे अगर आप पिछले पेज में तो हम लोगों ने क्या निर्धारित किया था यहाँ पर दो एम एल जो है चुंबकीय बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है तो 2 ml का मान Pm हम यहाँ रख देंगे और हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा B का मान B बराबर म्यू ज़ीरो बाय 4 पाई और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा यहाँ पर Pm और देखिए ये R तो कट गया है तो बटा R की घात 3। इस तरीके से हमको कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ दिखाई दी, उसकी अक्षीय स्थिति में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। प्रश्न कब का है ध्यान दें तो प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा इसके जो है अगर आप ध्यान देंगे तो पहले भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, इसकी तैयारी रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल तैयार रखिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ में और तब तक के लिए धन्यवाद।